जी के बहाने आज बुंदेलखंड की धरती पर मुझे हमीरपुर के और मोदाहा के लोगों से बातचीत करने का एक मौका मिल रहा है। वास्तव में साध्वी जी का स्नेह मुझे यहाँ खींच कर लाया। खासे मुलायम सिंह जी ने कहा था कि यदि भाजपा बहुमत में आ गई तो उसे सत्ता से बाहर रखने के लिए हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। मुझे खुशी मुलायम सिंह जी ने ये तो कहा कि भाजपा बहुमत में आ रही है। रही कांग्रेस को समर्थन देने की बात, तो फिल्म के गीत की दो पंक्तियां हैं कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा इतना गहरा दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा की तरफ मुंह कर रहे थे। और उसमें बहुत बड़ा कारण यह था कि बसपा का नेतृत्व उस समय ये कह रहा था कि हमने इन वर्षों में अपनी सोच बदल दी है। उन्होंने कहा था कि अब हम 36 बिरादरी को साथ लेकर राज करेंगे। उन्होंने कहा था अब हमारा नारा बहुजन हिताय नहीं होगा, सर्वजन हिताय होगा। उन्होंने यह भी कहा था अब हम तिरक तराजू और तलवार नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। पार्टी की यूपी की सरकार का आकलन करके एक वाक्य कहूं तो कहना चाहूंगी कि चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ लूटमार और सत्ता का खुला दुरुपयोग इस सरकार की मुंह बोल की कहानी है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का ताल्लुक है मित्रों, अभी लोग भूले नहीं हैं, वो शासन आपराधिक तंत्र के बोलबाले का शासन, दंडनाते हुए घूमते थे और आम आदमी दुबक कर शरीफ आदमी घर में बैठने के लिए मजबूर था। देश की सरकार का ताल्लुक है वो तो माशाल्लाह है। 16 मई 2009 को ये सरकार सत्ता में आई थी, मगर 6 महीने के अंदर अंदर ये अलोकप्रिय हो गई और 1 साल के अंदर अंदर ये सरकार बदनाम हो गई। अलोकप्रिय हुई महंगाई के कारण, उसमें लिख दिया उन्होंने गीत बनाकर, सखी सैया तो बहुत कमात है महंगाई डायन मार जा, बुंदेली भाषा में मेरे यहाँ का गीत है, मेरी अपने क्षेत्र में रायसेन में जो हाँ बड़वारी एक गांव है वहां पर ये गीत बना कि सखी सैया तो बहुत कमात है महंगाई डायन मार जा। कोई असर उन्हें ना महंगाई का है ना भ्रष्टाचार का है। अगर सवाल पूछो कि महंगाई बढ़ रही है तो कहेंगे शरद पवार से पूछो। टेलीफोन में घोटाला हो गया प्रधानमंत्री जी, राजा से पूछो। जहाज खरीदी में गबन हो गया, प्रफुल्ल पटेल से पूछ लो। अगर सब कुछ इन्हीं से पूछना है तो आप किस मर्ज की दवा है? वो सहयोगी दलों पर ठीकरा फोड़ करके अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं और यही कारण है कि केवल देश के लोग इनसे नाराज नहीं रहते, सहयोगी दल भी नाराज रहते हैं। कल पढ़ा होगा आपने ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है 9 मुख्यमंत्रियों के साथ, उन्होंने फ्रंट बना दिया है इस सरकार के खिलाफ। लेकिन प्रधानमंत्री टाल मटोल के जवाब देते हैं। ऐसा ही जवाब उन्होंने जब मुझे एक बार दिया तो मैंने एक शेर पढ़कर उनसे सवाल पूछा। मैंने उन्हें संबोधित करके कहा तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, हमें रहजनों का पता नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मलाल है आपकी रहबरी पर, पूरे देश को मलाल है। आपको एक शरीफ नेक और ईमानदार व्यक्ति समझकर प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन आज भ्रष्टतम सरकार के मुखिया बनकर आप बैठे। केवल महंगाई और भ्रष्टाचार ही इनके खाते में नहीं मित्रों, इन्होंने एक और अपराध किया है, इन्होंने देश में दूसरे विभाजन का बीज बोने का पाप किया है।
देश में धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण दिया।